सीमा, तुम्हारे पर्स से तुम्हारी गैर हाजिरी में 10,000 रुपये ले रहा हूँ। क्यों? इस क्यों का जवाब नहीं दे पाऊंगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सीमा, मेरी फिक्र मत करना। रोहित से भी कहना कि वो मेरी फिक्र ना करे। विश्वास करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ज़रूरत होने पर मैं खबर करूँगा। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना राहुल। राहुल, मुझे वो आश्रम में वापस जाना है। मगर पूजा, वहाँ तो सिर्फ खंडर ही खंडर है। नहीं, मैं वहाँ जाऊंगी। सपना है, गुजरा हुआ कल बस अपना है। आने वाला कल एक सपना है, गुजरा हुआ कल बस अपना है। हम गुजरे कल में रहते हैं, यादों के सब जुगनू जंगल में रहते हैं। यादों के सब जुगनू जंगल में रहते हैं। आने वाला कल एक सपना है, गुजरा हुआ कल बस अपना है। हम गुजरे कल में रहते हैं, यादों के सब जुगनू जंगल में रहते हैं। यादों के सब जुगनू जंगल में रहते हैं। सकते हैं जो जख्मों को सीना जानते हो, जीना उनका जीना जो यादों में जीना जानते हो। जिन तारों को रातों में उठ उठ के गगन में ढूंढते हो, बिजली लेकर बादल में रहते हैं। आने वाला कल एक सपना है, गुजरा हुआ कल बस अपना है। हम गुजरे कल में रहते हैं, यादों के सब जुगनू जंगल में रहते हैं। यादों के सब जुगनू जंगल में रहते हैं।
मन के अरमान अपने तन मन से पूछो। इनके छुन छुन का मतलब दिल की धड़कन से पूछो। दुनिया सारे जमाने ले ले, दौलत ले ले, खजाने ले ले, लूट सके ना जिसको जमाना, हमको एक पल ऐसा दे दे। प्यार के रंगी मौसम सब जिस पल में रहते हैं, वक्त के सच्चे नगमे जिस पल में रहते हैं, आने वाला कल एक सपना है, गुजरा हुआ कल बस अपना है, हम गुजरे कल में रहते हैं, यादों के सब जुगनू जंगल में रहते हैं, यादों के सब जुगनू जंगल में रहते हैं। पागल खाने में दिन कैसे बीते राहुल, मैं बता नहीं सकती। मुझे लगता था कि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी, तो मैंने सोचा कि मैं पागल खाने को आग लगा दूं। मुझे नहीं मालूम था कि आग इतनी बढ़ेगी। अब क्या होगा राहुल, अब वो लोग मुझे मार डालेंगे ना? तुम्हें कुछ नहीं होगा पूजा, डरने की कोई बात नहीं, मैं हूं ना। पूजा जिंदा है और राहुल उसके साथ। ये कैसे हो सकता है, वो मर चुकी है। Her dead body has been found. No, madam. यकीनी तौर पे ये कहा नहीं जा सकता है। लाशें इतनी बुरी तरह जल चुकी थी, किसी की भी पहचान नहीं हो सकी। रोहित, अगर पूजा जिंदा है तो तुम्हारे भाई की जान खतरे में है। हालांकि वो मेरा खून है, लेकिन ये कहना जरूरी है कि वो खतरनाक है। ये दो प्रेमियों का मिलन नहीं, तबाही की शुरुआत है। आप लोग शायद मेरी बात को समझ नहीं रहे हैं, लेकिन मैं आने वाले कल की बर्बादी को साफ साफ देख रहा हूं। मेम साहब, दूध। अच्छा ये बताओ मेम साहब, ये अचानक आधी रात को चाय पीने का मूड कैसे हो गया? चाय पीने का नहीं, आत्महत्या करने का मूड हो गया है। क्या मतलब?